हम खबर दें आपको, कराची में जिमनी बल्दियाती इंतखाबात का दंगल सच चुका है। 3 यूसी चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन, 4 वार्ड्स की नशस्तों पर पोलिंग जारी। मुर्तजा वहाब सदर टाउन की यूसी 13 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 42 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 72 हसास करार दिए गए हैं। 2,06,686 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बताएं, कराची में सिवनी बल्दियाती इंतखाबात का दंगल सज गया। 3 यूसी चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन, 4 वार्ड्स की नशस्तों पर पोलिंग जारी है। मुर्तजा वहाब सदर टाउन की यूसी 13 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 42 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास हैं, जबकि 72 हसास करार दिए गए हैं और 2,06,686 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोना सिद्दीकी। मोना, बताइएगा, इंतखाबात का दंगल सच चुका है कराची में जिमनी बल्दियाती, कैसे आप सिक्योरिटी के इंतजाम देख रही हैं? जी, कराची के 5 अजला में 9 नशिस्तों पर जिमनी बल्दियाती इंतखाबात का इस वक्त मेला सज चुका है। 3 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 4 नशिस्तें वार्ड्स की जो है उन पर इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। सुबह 8 बजे से पोलिंग का सिलसिला जारी है और जो कि बिला तातुल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मैं इस वक्त UC-13 में मौजूद हूँ। UC-13 सदर से मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि जमात इस्लामी के नूरुल इस्लाम हैं। और इस वक्त UC-13 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर 17 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 10 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, जबकि 7 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। UC-13 में ख्वातीन मर्द और ख्वातीन के लिए 34-34 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जबकि इस वक्त भी जो है पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। वो के टर्न आउट इस वक्त कम है, छुट्टी का दिन है और लोग जो हैं वो दोपहर के बाद ही ज़्यादातर आना शुरू होते हैं। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिंध पुलिस की जानिब से यहाँ पर भरपूर सिक्योरिटी के इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर तैनात हैं, पुलिस मोबाइल यहाँ पर तैनात की गई हैं और किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम देखने में आ रहे हैं। जबकि इस वक्त जो है यहाँ पर शहरी जो हैं वोटर्स हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए इस वक्त यहाँ पर आ रहे हैं और अपना अपना वोट जो है यहाँ पर कास्ट कर रहे हैं। UC-13 में टोटल जो तादाद है वोटर्स की वो है 34,099 वोटर्स जो हैं इस वक्त रजिस्टर्ड हैं, जबकि फीमेल वोटर्स की तादाद है 16,024 और जो मर्द वोटर्स हैं उनकी है 18,075। तो जो यहाँ इस जगह के जो वोटर्स हैं वो इस वक्त अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। गो के सुबह का टाइम है, छुट्टी भी है, तो इसलिए इतवार के दिन वैसे ही लोग अभी तो 5 बजे तक का टाइम है, तब तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। ये बताएगा कि पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी कौन से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स देख रही हैं आप UC-13 में? का कहना है कि जो इंतजाम है वो भी काफ़ी तसली बख्श हैं, बड़े आराम से कतारों में लगे हुए हैं और आराम के साथ जो है अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। UC-13 में जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो भी इसी जगह पर अपना वोट कास्ट करने के लिए आएंगे, जबकि जमात इस्लामी के जो नूरुल इस्लाम है उनको PTI की भी हिमायत हासिल है। तो टर्न आउट अभी स्लो है, लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता जाएगा तो आएंगे वोटर्स और अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। अलबत्ता यहाँ पर सिक्योरिटी के जो है हमने देखा कि इंतजाम काफ़ी अच्छे हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम काफ़ी अच्छे हैं। शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया मोना, आप डिटेल्स दे रही थी।